इतनी खुशी मुझे आज तक। सो मैंने काफ़ी मेरे साइकिलिंग फ्रेंड्स को बोलते सुना है दैट देयर पेरेंट्स आर नॉट दैट सपोर्टिव एंड दे डोंट अलाउ देम फॉर लॉन्ग राइड्स। तो इस वीडियो में मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ दैट हाउ माई पेरेंट्स आर अलाउविंग मी फॉर लॉन्ग राइड्स लाइक 200-300 एंड नेक्स्ट टूडे टुमोरो आई एम गोइंग टू 600। सो आई एम शेयरिंग फ्यू ऑफ माई टिप्स। सो फर्स्ट थिंग इज दैट शेयर योर लाइव लोकेशन इन योर व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप। अगर आप बोलोगे कि आपका फ़ोन बैटरी ड्रेन होता है तो एग्री, बट देन आप अपने पास पावर बैंक रख सकते हो। तो लाइव लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच आई ऑलवेज शेयर वेन एवर आई गो ऑन एनी राइड, वेदर इट इज़ इवन अ 1 hour राइड और 2 hour राइड। सेकेंड थिंग इज़ डोंट लाई, बेसिकली इट्स अबाउट बींग ऑनेस्ट। कि अगर आप सपोज बोल रहे हो, नॉट ओनली इन साइकिलिंग, अगर आप बोल रहे हो कि मुझे अपने फ्रेंड के पास जाना है तो आप फ्रेंड के पास ही जाना। वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ हैव कॉन्वर्सेशंस विद देम, जस्ट कीप देम इन लूप कि अब तुम क्या कर रहे हो और वही करना। सो इस तरह से धीरे धीरे वो ट्रस्ट बिल्डिंग डेवलप होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रस्ट। जितना वो आपको ट्रस्ट करेंगे उतना वो आपको अलाउ करेंगे फॉर डूइंग एनीथिंग दैट यू वॉन्ट टू डू। टिप नंबर 3, इंट्रोड्यूस योर राइडिंग बडीज टू देम। जब भी आप कोई राइड पे जाते हो तो उनको आप बताओ कि ये मेरा फ्रेंड है जो मेरे साथ हमेशा आता है, ये हमारे फोटोज है। तो जस्ट हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देम, कीप शेयरिंग विद देम वॉट यू आर डूइंग, what ride you did, how was it, the overall experience. So is tarah se they will also get comfortable with what you are doing and eventually again the trust will start to develop. Tip number 4 is show responsibility that tumhe bhi apni safety ki fikar hai. Jaise aap e tag rakho, lights rakho, safety puncture kit rakho. So cycle pe hamesha aap make sure that you are wearing a helmet and everything. So this will show that you also care about your safety and you are responsible enough to take care of yourself. So that's how they will again start to develop trust in you and then they will allow you for anything that you want to. And last point is that go step by step. Although you are doing all these things directly, agar aap bolo ki mujhe Mumbai Goa jana hai ya Manali le karna hai, then they will definitely not allow, koi bhi allow nahi karega. So go step by step. Pehle aap bolo ki mujhe jana hai 50 kilometers, then regularly aap dikhao apna consistency, एवरी डे आप साइकिलिंग जाओ, वट एवर इट इज दैट यू आर डूइंग। सो दिस वे दे विल सी दैट यू आर ऑल्सो सीरियस इन दैट स्पोर्ट एंड स्लोली स्लोली यू कैन स्टार्ट टू आस्क यू कैन आई गो फॉर दिस दिस दिस, दैट वे दे विल ऑल्सो स्टार्ट सपोर्टिंग यू। सो या दिस वे सम ऑफ द टिप्स ऑन हाउ यू कैन कन्विंस योर पेरेंट्स। नाउ कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने SR सीरीज कर लिया उसके बाद आपके पेरेंट्स आपको बोलेंगे कि हो गया ना, अब तो अब क्या करना है। बट again then you have to go back to the same steps again and show them that yes, you really like this sport, you are passionate about it, and then eventually they will start to understand. It will take time, but if you are passionate enough, that passion will show, it will show to them. So yeah, that's about it. Go step by step and I hope you found this video useful. Agar aapke koi friends hai jinke parents bahut strict hai, so show this video to them. And until then, I'll see you in next cycling video.